तभी कुछ सेकंड में आपको देगा प्लेन पर शो हो जाएगा गाइस। पूरे लॉबी में 54 बंदे अलाइव है या 54 प्लेयर है। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे मैं पूरे टीम आपको देखा सो ब्राउलर यहाँ पे खेल रहे हैं आइकॉनिक नोवा किंग या जो कि टीम नंबर 7 है। तो गाइस यहाँ पे हम देख सकते हो तो यहाँ पे प्लेन पर जा चुका है। तो नाखाम से लेके खाऊ के साइड हमारे प्लेन पर जा रहा है जो कि हम आप देख सकते हो हॉट ड्रॉप हमारा बन सकता है, बूट कैंप एंड रूइंस भी बन सकता है। तो देख सकते हो लेफ्ट साइड पे आप देख सकते हो पूरे अमीर बंदे के आपको नाम आ रहे हैं। तो बर्नेक्स किलर जो कि चिकन मास्टर हो चुका है। तो गाइस यहाँ पे धीरे धीरे करके हर स्क्वाड या कह सकते हो हर टीम यहाँ पे ड्रॉप हो रही। तो गाइस अभी देख सकते हो बूट कैंप हम यहाँ पे कितने स्क्वाड देखेंगे एंड सबसे पहले हम फाइट कहाँ देखना हमें देखने को सबसे पहले फाइट देखने को मिल सकती है। तो देख सकते हो ब्लर एक्स की टीम आई थिंक सो वो तामबाग जाने वाले आई थिंक सो एंड आई थिंक सो उनकी थोड़ी सी टीम स्प्लिट है एंड आई थिंक सो यहाँ पे पाई नाइन के यहाँ पे दो शायद से टीम जा सकती है एंड बूट कैम्प देख सकते हो यहाँ पे आई थिंक सो के एन की स्क्वाड एंड टीम नंबर 6 जा रही शायद से नो रूल्स की स्क्वाड या बूट कैम्प जा रहे हैं वो लोग एंड हम देखने पसंद करेंगे सबसे पहले हम फाइट कहाँ करें मिल सकती है। एंड यहाँ पे देख सो पैराडाइज रिसोर्ट में अभी भी एक भी टीम नहीं गई आई थिंक सो एंड डॉक्स भी यहाँ पे कोई नहीं गया कैम्प ब्राहो साइड है एंड यहाँ पे पाई नाइन भी हमें फाइट नहीं देखने को मिलेगी एंड हम देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर 12 जो कि यहाँ पे बूट कैंप पे हमें फाइट देखने के मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ चुके हैं गाइस। यहाँ पे टीम नंबर 12 आसानी से लूट रही पूरे आई थिंक सो उनको पता नहीं कि यहाँ पे टीम नंबर 6 का जो बंदा जो कि नो रूलर है जो कि वेयर हाउस में आ चुका है गाइस। तो देखते हैं गाइस क्या सीन होता है यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइट कहाँ देखने को मिलेगी यहाँ पे नो रूल को आई थिंक सो पता चल जाए। यहाँ पे एम ज्यूस ने यहाँ पे आर एच को एसके से नॉक एंड पूरा फिनिश दे दिया है गाइस। वो हम फाइट आई थिंक सो वो कहाँ चल रहे हैं हम वो फाइट देखने को आपका पूरा कवर ट्राई करेंगे एंड यहाँ पे स्प्रे जा रहा है एंड यहाँ पे बहुत अच्छा नो रूल ने यहाँ पे के एन का एक बंदा बहुत अच्छा एम्पोर का स्प्रे देखे उसका नॉक दे दिया एंड आई थिंक सो उसको वो पूरा फिनिश करेंगे कि वन किल से बहुत पॉइंट टेबल में बहुत आपको पता है कि डिफरेंस आता है एंड थोड़ा डैमेज नहीं वो वापस से नेट आ रहा है उसके ऊपर बट अनफॉर्चुनेटली उसको नेट कनेक्ट नहीं हुआ उसका बैकअप आ रहा है नो रूलर का आई थिंक सो बंदों ने उसको फॉल बैक करने के लिए बोल दिया नहीं आई थिंक सो वो लोग फाइट लेंगे यहाँ पे। तो आई थिंक सो उसको रैप मिल रहा है टीम नंबर 12 के बंदे को जो कि यहाँ पे नॉक था उसको रैप मिल रहा है। अभी 3v4 का यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट हो चुका है गाइस। तो टीम नंबर 12 के 12 बंदे एंड टीम नंबर 3 के यहाँ पे 3 बंदे। तो गाइस अभी देखते हैं यहाँ पे क्या सीन होगा। यहाँ पे नो रूलर की स्क्वाड ने यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट कर दिया है गाइस लेना। तो हम देख सो यहाँ पे फर्स्ट एयर ड्रॉप आता हुआ जो कि हमारा फर्स्ट एयर ड्रॉप है हम प्लेयर ड्रॉप है। तो यहाँ पे AW विद ऑक एंड पूरा लेवल 3 का गियर एंड AR सप्रेसर आ चुका है। तो हम वापस से हम जाएंगे जो कि टीम नंबर 14 ने मंगाया। तो हम वापस से बूट कैंप जाएंगे क्योंकि उधर फाइट हमें देख फाइट चल रही है एग्जैक्टली। वो स्क्रीनशॉट क्यों निकल रहा है एग्जैक्टली आई डोंट नो। एंड यहाँ पे ब्राउडर की स्क्वाड मैंने कहा था नोवा किंग आइकॉनिक वो स्क्वाड यहाँ पे आई थिंक जा चुके हैं लूटने को। तो गाइस यहाँ पे टीम नंबर 19 जो कि छोटे छोटे घर लेके छोटा अच्छा खासा लूट कलेक्ट कर रही है आई थिंक सो यहाँ पे फाइट होने की चांसेस अभी तो नहीं दिख रहे हैं मैं बूट कैंप में एंड अभी तो यहाँ पे कोई भी स्क्वाड मुझे नहीं लगता यहाँ पे फाइट लेना पसंद करे। यहाँ पे यहाँ पे टीम नंबर 11 का बंदा शायद से कौन है वो बंदा आर एच के स्क्वाड वह बहुत क्लोज जा चुके हैं आई थिंक सो यहाँ पे फाइट हो रही है। आर एच के बंदे ने यहाँ पे एम आई पी मैन को यहाँ पे नॉक उजी से एंड पूरा फिनिश दे दिया है। आर एच के पास एक किल है और उनका एक भी बंदा तो यह अच्छा खासा रिवेंज हो रहा है गाइस। तो 3v3 का वन मोर टाइम सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। क्या वो बंदा आर एच एक्स यहाँ पे स्पॉट कर लेगा। तो यहाँ पे एम डक्की ने यहाँ पे आर एच के और एक बंदों को नॉक दे दिया। तो गाइस 2v3 का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हो यहाँ पे आर एच टीम के या स्क्वाड के ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेशर बिल्ड होता हुआ दिख रहा है आपको। क्या यार रैप देने के लिए उसके बंदे उसको जा रहे हैं रैप देने के लिए। क्या देखना हम पसंद करेंगे कि उसको रैप मिलता है क्या नहीं। क्या बंदे उसको रैप देना देंगे आई थिंक सो शॉर्ट्स आ रहे हैं एक ही बट अनकनेक्ट नहीं। तो यहाँ पे रैप मिल रहा है आर एच के बंदे को एंड यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही यहाँ पे
यहाँ पे बैरल का अच्छे से यूज है। यहाँ पे आरएस बंदे ने बहुत बहुत M4 से यहाँ पे एम रॉकी को यहाँ पे नॉक दे दिया है। M4 का अच्छा सा स्प्रे, क्या वो पूरा उसको फिनिश करेंगे। यहाँ पे आरएस का वन मोर टाइम सेकंड बंदा आई थिंक सो आ रहा है वो पीछे से। क्या क्या बंदे को रॉकी को यहाँ पे रैप मेल का हम वो देखना पसंद करेंगे। गाइस जो भी चैनल पे नहीं प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस इसी तरह से आगे मैं स्ट्रीम लाता रहूंगा आपके लिए। तो यहाँ पे आरिश ने यहाँ पे स्मोक करके वो फॉल बैक कर रहे हैं शायद से, या ही फॉल बैक कर रहे हैं फटाफट। एंड आई थिंक सो पुश जा रहा है शायद से, या पुश जा रहा है आरिश का बंदा यहाँ पे रॉकी को पूरा फिनिश करने के लिए जा रहा है शायद से। वो फिनिश करेगा नहीं, नहीं उसने पूरा फॉल बैक टोटल कर रहा है। यहाँ पे रॉकी को यहाँ पे रैप मिल रहा है जीव की तरफ से, उजी एंड उनके पास SKS है, उनके पास वेस्टी नहीं है। एक लेवल वन का हेलमेट है, एक लेवल वन का हेलमेट एंड बैकपैक है गाइस। तो आई थिंक सो तीनों के तीन बंदे रैप को, तीनों को रैप मिल चुका है गाइस। हमें इसी तरह से हमारा ड्रॉप नंबर 2 है। एक्चुअल में हम ड्रॉप नंबर 2 देखते तो यहाँ पे MK14 विद ग्रोजन पूरा लेवल 3 का कम्बो आ चुका है। यहाँ पे ड्रॉप नंबर 3 में हम देखेंगे नो, जो कि अपना गवर्नमेंट ड्रॉप है एज यू नो, तो उसमें देखेंगे AW विद ATX एंड एक लेवल 3 का गियर एंड एक सॉरी हेलमेट एंड वेस्ट आ चुका है गाइस। तो कतई OP कम्बो हम कह सकते हैं। तो क्या हम देखना पसंद करेंगे यहाँ पे कहाँ फाइट होगी। यहाँ पे टीम नंबर 18 आई थिंक सो BRF का आई थिंक सो जा रहा है टीम नंबर 22 K2S की स्क्वाड आ रही शायद से। इधर फाइट होने के बहुत से गाइस चांसेस बढ़ चुके हैं गाइस। तो गाइस तो यहाँ पे भाई बहुत यहाँ पे सिचुएशन बहुत क्लोज जा चुके हैं गाइस। यहाँ पे बहुत एंड यहाँ पे रॉकी ने यहाँ पे आरएस के एक बंदे को नॉक एंड पूरा फिनिश दे दिया है। यहाँ पे दो बंदे बच चुके हैं। यहाँ पे रॉक डक्की को यहाँ पे रिवेंज मिल चुका है ना, वो नॉक हो चुका है गाइस। एंड यहाँ पे K2S ने यहाँ पे BRF के एक बंदे को नॉक दे दिया है। यहाँ पे BRF ने M4 से यहाँ पे K2S को नॉक एंड पूरा फिनिश कर रहे हैं उनके बंदे। तो खेल वहाँ पे वो खेल सकते कंफर्म कर रहे हैं। यहाँ पे 2v2 का यहाँ पे सिचुएशन फिर से क्रिएट हो चुका है गाइस। यहाँ पे एक RS का एक बंदा नॉक एंड उसका आई थिंक सो पूरा फिनिश करेंगे यहाँ पे। एंड 1v1 का सिचुएशन यहाँ पे वो क्रिएट हो चुका है। क्या यहाँ पे टक्कर देंगे। यहाँ पे टीम नंबर 10 का बंदा RS का स्क्वाड का बंदा यहाँ पे टक्कर देगा एम को। यहाँ पे AK M4 का स्प्रे ना यहाँ पे OP परफॉर्मेंस दिखा रहा है वो बंदा। क्या वो उसी के आगे वो टिक नहीं, बट वेल प्लेड गाइस। आई नो उसको रैप मिल जाएगा ना। हम आगे चलते हो तो यहाँ पे नेक्स्ट फाइट को हम कवर करेंगे। तो हमारी नेक्स्ट फाइट चल रही है तो गाइस BRF फ्यूजन यहाँ पे फिनिश हो चुके हैं गाइस। एंड यहाँ पे फायर आ चुका है गाइस। टीम नंबर 22 ने स्पॉट कर लिया टीम नंबर 18 को। यहाँ पे BRF ने यहाँ पे K2X अल्फा को यहाँ पे नॉक दे दिया है गाइस। तो आई थिंक सो उसको रैप इजीली मिल जाएगा। बट मैं देखना, हाँ स्ट्रीम तो चल रहा है, रिकॉर्डिंग इज गोइंग रेडी। एंड K2S अल्फा क्वीन को आई थिंक क्यू रैप मिल चुका है। यहाँ पे इंस्टेंट उनका बंदा आई थिंक सो पुश आने का बहुत चांस क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे पुश आ चुका है गाइस। एंड यहाँ पे टीम नंबर 18 की तरफ से यहाँ पे पुश आ चुका है। आई थिंक वो उनको पूरा फिनिश करके किल कंफर्म करेंगे। यहाँ पे K2S कह सकते तो उनका टीम नंबर 22 का अकेला बंदा अपने स्क्वाड के लिए सर्वाइवल करेगा आई थिंक सो आखिर तक गेम को यहाँ पे आखिर तक लेके जाएगा। एंड यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर यहाँ पे नो रूलर ने यहाँ पे KN Max को यहाँ पे नॉक दे दिया AKM से। तो जो कि हम देख सकते कब से फाइट होल्ड चल रही थी, होल्ड चल रहा था। हम वो फाइनल नो रूलर ने यहाँ पे KN Max को यहाँ पे पूरा फिनिश दे चुका है। यहाँ पे आई थिंक सो KN को यहाँ पे या नो रूलर को पता नहीं यहाँ पे या पता है बट वो स्पॉट नहीं हो रहे हैं। आई थिंक सो यहाँ पे कोई तो थर्ड पार्टी कर रहा है शायद से। यहाँ पे KN ने यहाँ पे नो रूलर को नॉक एंड पूरा फिनिश दे चुके हैं गाइस। तो BRF ने यहाँ पे K2S को OP को यहाँ पे पूरा फिनिश दे दिया। तो वो एलिमिनेट हो चुके हैं गाइस। एंड यहाँ पे नो रूलर मेंटल यहाँ पे नॉक दे दिया M4 से एंड पूरा फिनिश दे चुके हैं गाइस। यहाँ पे उनको रैप मिल जाएगा नो रूलर का अकेला बंदा। आई थिंक सो पुश मारेगा, पुश मार या नॉक करेगा क्या या वेल प्लेड बॉयज, वेल प्लेड वो पूरा फिनिश कर रहा है बंदों को फटाफट। या किल अपनी टीम के लिए कंफर्म किल कर रहा है क्योंकि एक एक किल से बहुत डिफरेंस आता है पॉइंट टेबल में एज यू नो।
तो देखते हैं गाइस क्या वो बंदा सर्वाइव कर पाए। आई थिंक सो उसका बहुत एचपी लो है तो शायद से बहुत हार्ड चांसेस है, बट वो इमीडिएटली हील करके हील करेगा तो कुछ चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं अभी 1v1 पक्का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है गाइस। यहाँ पे स्प्रे जा रहा है कैम सा बट अनफॉर्चुनेटली कनेक्ट नहीं हुआ। तो उनके पास है एक लेवल 3 हेलमेट एंड वेस्ट एंड एक लेवल टू का वेस्ट है गाइस। लेवल 3 हेलमेट एंड बैकपैक है गाइस उसके पास केन के बंदे के पास। तो देखते हैं टीम नंबर 12 का अकेला बंदा जो कि सर्वर कर रहा है अपने लिए। अभी उनके सामने नो रोल का जो भी कि सोलो यहाँ पे फाइट हो सकता है गाइस में। और इस तरह से हमारा जोन यहाँ पे क्लोजिंग कर रहा है गाइस। एंड यहाँ पे हमारा ड्रॉप नंबर 5 आ चुका है, हम उसको बाद में देखते क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंट यहाँ पे बहुत क्लोज सिचुएशन है, यहाँ पे क्रिटिकल सिचुएशन क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे आई थिंक उसको पता नहीं यहाँ पे एक S12K का शॉर्ट साइन यहाँ पे ओपी S12K गाइस। तो नूरल्स ने यहाँ पे केन का बंदों के यहाँ पे S12K से पूरा फिनिश दे चुके। तो गाइस हम नेक्स्ट चलते तो NS के पास। तो यहाँ पे देख सकते हो गाइस यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे कौन सी स्क्वाड बाहर है क्या हम देखना। वे ब्रावरल की स्क्वाड जो कि हाई तीन लूट रही थी वो बहुत उन लोगों ने लंबा रोटेशन ले लिया है गाइस। तो आई थिंक सो टीम नंबर 5 के पास जा रही है GE जो कि हमें ड्रॉप नंबर 5 हमें बोलना एक्सपेक्टेड करना रहेगा है बट वो लूट चुका है गाइस। एंड हम देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर अभी तो सिचुएशन मुझे नहीं लगता यहाँ पे कई फाइट होंगे बट हम आपको पूरा फाइट दिखाएंगे गाइस उसका आप टेंशन ना लो। यहाँ पे पैराडाइस अभी भी लूट रही टीम नंबर 16 बर्न एक्स क्लच और उनकी स्क्वाड यहाँ पे लूट रही टीम नंबर 16। तो हम ओवरऑल दिखा देते हैं आपको लाइक उन सबके किल के पास यहाँ पे 6 नंबर को स्क्वाड के पास 2 किल है। एंड यहाँ पे टीम नंबर 10 के पास 2 किल है वो एलिमेंट हो चुके हैं। 11 के पास 3 किल, 12 के पास 2 किल एंड 18 के पास 4 किल है गाइस। एंड टीम नंबर 22 के पास भी 1 किल है गाइस। अभी तो देखते हैं यहाँ पे जोन हमारा बन चुका है, क्वेरी के साइड बन चुका है। तो गाइस अभी बहुत तो स्क्वाड हम कह सकते हैं लाइक जोन के अंदर है। अभी देखते सब स्क्वाड धीरे धीरे रोटेशन ले लेंगे। अपन नोवा किंग ब्रावरल के हम उनको स्पेक्टेट करना पसंद करेंगे गाइस। तो ब्राउडर जेब्रा एंड उनके साथ कौन कौन खेल रहा है, नोवा किंग आप लोगों को तो पता ही होगा एंड आइकॉनिक भी खेल रहा है गाइस। तो 3v4 खेल रहे हो गाइस। तो यहाँ पे फाइट होने के बहुत चांसेस क्रिएट हो चुके हैं। यहाँ पे जेब्रा यहाँ पे नॉक दे दिया है, जेब्रा सिनर्जी से आई थिंक सो नॉक दे दिया है। आई थिंक सो उसको वो पूरा फिनिश करेंगे। यहाँ पे नोवा किंग यहाँ पे आया, नोवा किंग यहाँ पे बहुत क्रोज है ब्राउलर की। नोवा किंग क्या वो आई थिंक सो फॉल बैक करे यहाँ पे, ये नहीं इधर आई थिंक सो उनको अपोनेंट से यहाँ पे स्प्रे आ रहा है। फिर क्या वो नॉक होंगे या बच गए थोड़े से वो। यहाँ पे विशु ने यहाँ पे ब्राउलर किंग को यहाँ पे नोवा किंग को यहाँ पे पूरा फिनिश एंड ओ भाई व्हीकल एक्सप्लोजन के कारण यहाँ पे नोवा किंग फिनिश हो चुके हैं। यहाँ पे आइकॉनिक अकेले बच्चे है गाइस। तो यहाँ पे 2 बंदे उनके फिनिश एंड यहाँ पे टीम नंबर 5 या सिनर्जी है शायद से वो या सिनर्जी है वो। तो वो टीम नंबर 7 के 3v4 का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका था। तो अभी देखते क्या अभी अपना बदला आइकॉनिक्स लेंगे, वो बंदे स्पॉट करे शायद से बंदा स्पॉट होने का बहुत चांस है हमारा। इसी तरह से ड्रॉप नंबर 6 आ चुका है जो कि एयर ड्रॉप है गाइस। यहाँ पे AWM विद लेवल 3 का पूरा घेर है। गिलू सूट इज द इम्पोर्टेंट इन सनहॉक क्योंकि पूरा हरियाली या घास हम कह सकते हैं। तो वो एक इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है जिसके पास एक इम्पोर्टेंस या उसके पास एक हम कह सकते हैं एडवांटेज रहता है। तो गाइस हम यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे टीम नंबर 5 अभी भी लौट रही गाइस। यहाँ पे उनके पास MK14 यहाँ पे ब्लर एक्स के पास यहाँ पे फाइट होने के बहुत ज्यादा यहाँ पे थोड़ा आगे जाएंगे तो उनका शायद से यहाँ पे BRFX के यहाँ पे फाइट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे गाइस आई थिंक सो। तो एंड अभी देखते हैं हम जोन के बाहर, आई डोंट थिंक यहाँ पे कोई भी जोन के बाहर है। अकेला नो रूल बंदा है जो कि सर्व कर रहा है वो, कोई बात नहीं वो जोन के अंदर इजीली एंटर कर जाएगा। एंड आई थिंक सो यहाँ पे टी नंबर 13 एंड टी नंबर 18 के बीच में, नहीं सॉरी टी नंबर 13 एंड 19 के बीच में हाइट होने के थोड़े से चांसेस है बट ज़्यादा नहीं। यहाँ पे सिनर्जी की स्क्वाड या टी नंबर 5 जो कह सकते थोड़ी स्प्लिट है, डीओ में थोड़ा स्प्लिट है वो लोग।
बट स्टिल वो क्लोज में, तो उनको इतना कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ेगा। तो उनके उनके पास है BRX के पास है पूरे 4 किल जो कि 3 है। तो यहाँ पे जोन में, सॉरी हमें ऑलरेडी गेम यहाँ पे 15 मिनट हो चुके, तो यहाँ पे ये थर्ड जोन है। अभी जोन धीरे धीरे करके क्लोजिंग कर रहा है गाइस। तो हमें देखते हैं अभी जोन कहाँ बनेगा, यहाँ पे देखते हैं हमें फाइट कहाँ पे देखने को मिल जाने जाएगी। एंड जोन इज क्लोजिंग नाउ, एंड जो यहाँ पे जोन बन चुके, तो यहाँ पे बहुत बहुत यहाँ पे टीम कह सकते हैं जोन के अंदर है। तो अभी देखते हैं यहाँ पे क्या से, जो बहुत से टीम यहाँ पे कह सकते हैं बहुत दूर है। यहाँ पे नेक्स्ट जोन हमारा स्टार्ट हो जाएगा 15 सेकेंड में, हमें सॉरी 45 सेकेंड में स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे BRF के पास से BRDM जो कि OP कार हम कह सकते हैं आखिर के जोन में, उसको कवर एज ए कवर यूज़ किया, तो क्योंकि उसका हेल्थ बहुत अच्छा है। एंड यहाँ पे कंटिन्यू अपोजिशन की तरफ से स्प्रे आ रहा है, बट अनफॉर्चुनेटली उसको आई थिंक सो इतना डैमेज नहीं होगा, तो बट धुआं निकल रहा है। इमीजिएटली उनको यहाँ पे कार छोड़ना पड़ेगा, तो व्हीकल एक्सप्लोजन के कारण वो आई थिंक मैंने जो बोला व्हीकल एक्सप्लोजन के कारण वो BFRX का बंदा नॉक हो चुका है। तो शायद से टीम नंबर कौन सी, तो वो नंबर 89 ATX ने यहाँ पे नो रूलर के एक बंदे को AWM से नॉक दे दिया है गया। एंड सिनर्जी ने यहाँ पे टीम नंबर 17 का CGX को यहाँ पे नॉक दे दिया है। एंड यहाँ पे सिनर्जी भी टीम नंबर 5 भी टीम नंबर 17 यहाँ पे फाइट होने का बहुत चांसेस है। एंड यहाँ पे आई थिंक सो यहाँ पे जाए सिनर्जी का बंदा यहाँ पे जा रहा है, आई थिंक सो उसको पता नहीं कि यहाँ पे नीचे टीम नंबर 18 का BRX जो कि व्हीकल एक्सप्लोजन में मरा था। यहाँ पे ब्राउल और आइकोनिक जहाँ पे जा रहे, क्या उनके ऊपर स्प्रे कनेक्ट होगा? तो ब्रावो आगे दोनों स्क्वाड के बीच में से जा रहे, बट आई थिंक सो स्टील वो निकाल लेंगे। यहाँ पे पीछे से भी बंदे, तो उनके ऊपर बहुत चांस है हार्ड, आई थिंक सो स्पॉट हो जाएंगे शायद से। थोड़ा लैग यहाँ पे स्प्रे जा रहा है, यहाँ पे पूरा यहाँ पे नॉक दे दिया है दोनों को। यहाँ पे CG यहाँ पे सिनर्जी की स्क्वाड अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रही है अपने तरफ से, यहाँ पे BRF को यहाँ पे उड़ा दिया है। एंड यहाँ पे ब्राउल के ऊपर शॉट्स, एंड यहाँ पे आइकॉनिक ब्राउल यहाँ पे पूरा M4 से फिनिश हो चुके टीम नंबर 5 की तरफ से। यहाँ पे उनके टीम के पास है पूरे 4 किल। हमें आई थिंक सो जोन या जोन इज श्रिंकिंग, उनको अभी भी 50 मीटर जोन के अंदर जाना है। तो गाइस हम देख सकते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे हमारा ड्रॉप नंबर 6 आ चुका है जो कि टीम नंबर 13 ने लूट चुका है। यहाँ पे टीम नंबर 17 वी 3 टीम नंबर 11 होने का बहुत चांस है एम वर्सेस CG, उनके स्क्वाड बीच में होने का बहुत चांसेस यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो ग्राउंड पे हम देख सकते 2v4 का यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होने के बहुत चांसेस बढ़ चुके हैं गाइस, बट स्टिल उन लोगों ने शॉट्स ले लिए। यहाँ पे एम रॉकी ने यहाँ पे CG 5 OP को यहाँ पे नॉक दे दिया है, तो एक एम का अच्छा है। एम जीव के और एक बंदों को नॉक, यहाँ पे 2v2 का सिचुएशन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। तो गाइस अपना स्मोक करके आई फटाफट वो रैप देके अपने बंदों को भी यहाँ पे रैप मिल रहा है शायद से, दो नॉक है इस साइड अपने, उनके बंदे यहाँ पे पीछे नॉक है। तो यहाँ पे एम ज्यूस यहाँ पे OP परफॉर्मेंस दिखा रहा है गाइस अपनी तरफ से। तो एम ज्यूस अपने वेक्टर से सब लोग को नॉक एंड पूरा फिनिश कर रहे, तो एम ज्यूस एंड पूरा यहाँ पे क्या एलिमिनेट कर सकती हो पूरी स्क्वाड एम की, CG की एम की स्क्वाड पूरी यहाँ पे CG को आई थिंक सो टक्कर देने के बहुत चांसेस है। हेल जोन के बाहर और जोन को सॉरी जोन के बाहर फाइट को अवॉइड करें, क्योंकि जोन का डैमेज बहुत पड़ता है गाइस एज यू नो। तो फिर ट्राई तो ज़्यादा चल रहा है, आई थिंक सो उनको रैप दे दिया जाएगा वो टीम नंबर 17 चांस तो हार्ड है शायद से सिंचन, आई डोंट थिंक वो फॉल बैक करके अपने टीम को रैप दे देगा। तो पे हमारा जोन बन चुका है, तो गाइस थोड़ा सा हाई एंड लो रिस्क का यहाँ पे बोल सकते हैं, यहाँ पे जोन बन चुका है। यहाँ पे टीम नंबर यहाँ पे ऑलरेडी आई थिंक सो यहाँ पे फाइट चल रही, यहाँ पे टीम अलाइव है 28 एंड टीम बची 8। तो पे NS यहाँ पे ज्यूस ने यहाँ पे फिने, एंड यहाँ पे ब्लर एक्स ने यहाँ पे NS के यहाँ पे बंदे को नॉक, एंड यहाँ पे 3v1 का यहाँ पे सिचुएशन कर चुके हैं। यहाँ पे OP परफॉर्मेंस NS का बंदा दिखा रहा है, वे और एक एम से नॉक करेंगे अपोनेंट से। यहाँ पे वेक्टर का आ चुका है स्प्रे, यहाँ पे NS की यहाँ पे स्क्वाड यहाँ पे पूरी एलिमिनेट हो चुकी है गाइस। एंड यहाँ पे हम नेक्स्ट चलते हैं, तो यहाँ पे एम रॉकी के यहाँ पे ब्लर एक्स ने यहाँ पे एम रॉकी को नॉक एंड पूरा फिनिश दे चुका है। यहाँ पे टीम नंबर 14 भी टीम नंबर 16 हो चुका है आई थिंक सो। उन लोगों को पता है कि ATX वर्सेस एंड
16 का एटेक्स वी ब्लर एन यहाँ पे फाइट, उनके बहुत चांसेस बढ़ चुके हैं। 4v4 का यहाँ पे फाइट हो सकते हैं गाइस, उन लोगों को पता है कि ए टीम आमने सामने आ चुके हैं। तब देखते हैं यहाँ पे कौन यहाँ पे बंदा अपना ओपी टीम ओपी अपना गेम प्ले दिखाएगी गाइस। यहाँ पे देख सकते हो टीम नंबर 13 अभी भी जोन के बाहर है, उनके दो बंदे इमीडिएटली आ रहे हैं यहाँ पे प्ले जोन से। यहाँ पे ब्लर एक्स यहाँ पे नॉक, यहाँ पे सिनर्जी ने आर आई पी स्क्वाड यहाँ पे नॉक एंड दे दिए। यहाँ पे M4 का ब्लर एक्स के ऊपर यहाँ पे अच्छा सा स्प्रे कनेक्ट हुआ, एक लिटरली एक एचपी के कारण वो बच गए। एंड ATX अल्फा क्यू के यहाँ पे नॉक है, उनको फटाफट इमीडिएटली वो रैप देंगे एंड उनको जोन के साइड रोटेशन स्टार्ट कर देना होगा, क्योंकि यहाँ पे सीजी सिंचन यहाँ पे जोन के कारण नॉक हो चुके हैं। यहाँ पे अच्छा नेट, क्या नेट कनेक्ट होगा, क्या नेट कनेक्ट होगा, ओ नेट नेट कनेक्ट नहीं हुआ है। यहाँ पे अल्फा क्यू को यहाँ पे इमीडिएटली रैप मिल चुका है, वो हिल निकल के वो जोन के साइड रोटेशन स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि 5 सेकंड के अंदर जोन आ जाएगा एंड जोन का डैमेज जोन के बाहर ज़्यादा तो मौत ही होती है। तो स्टील वन देखते हो फटाफट जोन के अंदर यहाँ पे रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। यहाँ पे ब्लर एक्स ने यहाँ पे ATX व्हाइट लॉक को यहाँ पे नॉक एंड पूरा पिंच दे चुके, तो यहाँ पे जोन है श्रिंकिंग स्टार्टेड, तो जोन यहाँ पे श्रिंक करना स्टार्ट चुका है। यहाँ पे आई थिंक सो ब्लर एक्स की स्क्वाड यहाँ पे फंस चुकी है गाइस। यहाँ पे सिनर्जी ने यहाँ पे बर्न एक्स को यहाँ पे नॉक दी थे AKM से, तो मेरे एक्चुअल में ब्लर एक्स एंड बर्न एक्स में थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है। तो यहाँ पे प्ले जोन से ATX हार्दिक यहाँ पे नॉक हो चुके हैं गाइस एंड अभी देख सकते हो ब्लर एक्स का तरफ से AKM का सॉरी M4 का अच्छा प्रेन एंड ATX नॉक पे ब्लर एक्स अल्फा क्यू यहाँ पे नॉक ऑक्स से सॉरी फिनिश हो चुके हैं। तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो टीम बचे 15 एंड यहाँ पे हम सिचुएशन यहाँ पे निकाले, तो यहाँ पे 4v4v3v4 है, तो यहाँ पे तीन टीम के पास सबसे ज़्यादा एडवांटेज है। बट इम्पोर्टेंट इज फैक्ट कौन यहाँ पे से चिकन निकल के जाता है, दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट गाइस। वे बन एक्स की तरफ यहाँ पे जोन है, जोन थोड़ा ओपन में आता है सिनर्जी ने बन एक्स क्लच को यहाँ पे नॉक दे दिया है, तो इंस्टेंट उसको रैप देंगे, तो हम सिनर्जी को एक्सपेक्टेड करेंगे। यहाँ पे बन एक्स ने अच्छा नेड एंड ब्लर एक्स का अच्छा नेड एंड बन एक्स क्लच यहाँ पे नॉक एंड यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे वो ऑलरेडी यहाँ पे सिनर्जी यहाँ पे जोन के अंदर है एंड RIP का भी स्क्वाड है नीचे, यहाँ पे टीम नंबर 13 भी यहाँ पे, तो यहाँ पे कुछ ज्यादा आई थिंक सो ब्लर एक्स के लिए एंड बर्न एक्स के लिए किलर को यहाँ पे थोड़ा सिचुएशन हार्ड क्रिएट होने का बहुत चांसेस बढ़ चुका है। एंड आई थिंक सो यहाँ पे सिनर्जी यहाँ पे इजीली चिकन निकल के जाने के मुझे बहुत चांसेस दिख रहे हैं, क्योंकि वो उनके पास एक हाइट है, एक एडवांटेज है एंड ऊपर से कंपाउंड वेन कवर भी अच्छा खासा है, जो कि हर टीम को यहाँ पे वो स्पॉट कर सकते हैं, हर एक प्लेयर को यहाँ पे स्पॉट करने को उनके पास ज़्यादा चांसेस है। तो यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे क्या है, इसका फायदा उठाएगी हमारी सिनर्जी की स्क्वाड, यहाँ पे अच्छा खासा नेट खींच रहे हैं। यहाँ पे बर्न एक्स ने यहाँ पे RIP को यहाँ पे नॉक एंड सिनर्जी ने यहाँ पे M4 से ब्लर एक्स को यहाँ पे M4 से दे देने यहाँ पे एक नॉक एंड यहाँ पे सिनर्जी का बंदा यहाँ पे RIP ने यहाँ पे बर्न एक्स को यहाँ पे ब्लर एक्स को यहाँ पे नॉक दे देने यहाँ पे RIP का विश्व यहाँ पे नॉक हो चुका है गाइस। M249 का RIP का बंदा यूज करा एंड M4 से यहाँ पे अपोनेंट्स की तरफ से यहाँ पे बर्न एक्स की तरफ से यहाँ पे एक सिनर्जी का बंदा डाउन, आई थिंक सो पूरा फिनिश करेंगे सॉरी। तो यहाँ पे सिनर्जी के यहाँ पे दो प्लेयर नॉक है, यहाँ पे पूरा फिनिश करे, यहाँ पे बन एक्स फिनिश हो चुका, तो RIP वर्सेस यहाँ पे सिनर्जी हो चुके हैं। तो गाइस हम सिचुएशन आपको ऊपर से दिखाएंगे, तो यहाँ पे ज्यादा चांसेस RIP के बढ़ चुके हैं, तो यहाँ पे विश्व को उन्होंने पूरा फिनिश दे दिया, तो उनके पास एक जोन भी है एंड जोन के साथ उनके पास अच्छा कंपाउंड, वो हील करके रैप हो जाएंगे। यहाँ पे RIP ने यहाँ पे दे दिया है, तो गाइस यहाँ पे RIP के बहुत चांसेस बढ़ चुके हैं गाइस। तो पे आ रहा क्या है ओपी पर मैं दिखाएगा, यहाँ पे ग्रोजा निकाल लिया AKM का ओपोनेंट की तरफ से स्प्रे आ रहा है, यहाँ पे RIP की स्क्वाड ने यहाँ से चिकन डिनर निकाल दिया है जीजी गाइस। वेल पेड यहाँ पे RIP के स्क्वाड ने एक टाइम ऐसा लग रहा था यहाँ पे निकल जाएगी, उनके पास ज्यादा एडवांटेज था बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे RIP स्क्वाड ने यहाँ पे चिकन निकल के लोगों ने होल्ड करके अपना चिकन निकाल दिया, तो उनके पास से 8 किल है गाइस। यहाँ पे सिनर्जी के पास से 6 किल एंड यहाँ पे बर्न एक्स के पास से 4 किल एंड ब्लर एक्स के पास से गाइस 5 किल। तो गाइस ऑल स्क्वाड प्लेड गुड गाइस, जीजी गाइस, वेल प्लेड, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट मैच, बाय गाइस।
Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.